खेत से बेकान को वैसा न हो रोजी, उस खेत के हर खुशी दुमदम गुजरा हो। दूसरी जगह पहुंचा रहा इंसान को नहीं देखी गई, इसलिए बहुत खुशी की बात है। हमारे 6 महीने में थिकनेस बनानी पड़ती है अपनी गाड़ी की। हमारा नसीब है देश भर की यूनियनों को आपने गले लगाया यहाँ पे जम्मू कश्मीर। आप लोग देख रहे हो कि कश्मीर का ट्रांसपोर्टर 30 साल से उसकी हालत कैसे टूट चुकी है, उसकी हालत कितनी ख़राब हो चुकी है, ये आप बखूबी जानते हैं। हमारे हालात 30 साल से हम पत्थर या मारे गए, हमारे जलाए गए, लेकिन उसके बाद आज देखिए हम कहाँ पहुँच चुके हैं। आप देखिए जम्मू में कितना अच्छा सा बस स्टैंड बना है और वो भी सिटी के अंदर। हमें कहाँ रोका जाता है, नॉर्थ और साउथ बाउंड के पारमपुरा और वहाँ। हम ये मैसेज ये जो आज यहाँ पर है, एक सबसे पहला कि ट्रांसपोर्टर एक है, चाहे वो दिल्ली का हो चाहे वो देश के किसी भी हिस्से से हो, लेकिन ट्रांसपोर्टर और ये एक इकाई है, यही मैसेज है। और दूसरा हमारी जो सबसे असल मकसद है वो है ड्राइवर्स लोगों के लिए कोई पॉलिसीज नहीं। ये एक फौजी की तरह सुबह निकलते हैं शाम को घर आते हैं, माँ बाप को पता नहीं होता ये वापस आएगा, जैसे फौजी की लाइफ होती है वैसे इसकी लाइफ भी होती है। इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। आप देखिए अगर किसी भी ड्राइवर उनकी हालत आप घर में देखते हैं, अगर कुछ भी हो जाता था उसको सिर्फ 2 चीज़ें मिल रही, 279 337 तेज रफ्तार और लापरवाही। ये एक्ट 2 हम पे लगे होते हैं, चाहे कुछ भी हो मामूली सा मामला करिए ये होता है। हमारा एक मकसद है एक वेलफेयर बोर्ड कायम किया जाए जो गवर्नमेंट करेगी, उसमें हमारा प्रतिनिधि भी हो जो हमारा रहेगा और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ही रहे, लेकिन इनके लिए एक पॉलिसी बनाया जाए ताकि इन ड्राइवरों के हित में भी कोई ऐसा काम। तो हम चाहते हैं कि इनके लिए स्कॉलरशिप दे, इनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप दी जाए। दूसरा इनके लिए जैसे हम बाहर स्टेट्स में देख रहे 15-15 लाख स्टेट्स में दिए गए हैं ड्राइवर्स को, वैसा हम भी चाहते हैं कि एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए, हमें काटा जाए। जैसे हम टैक्स के रूप में आप देख रहे हो हम कितना टैक्स दे रहे हैं, हम चाहते हैं इसमें अलग सा पैसा कट के वेलफेयर बोर्ड में रह जाए और उसमें कार्ड भी मिलना चाहिए, श्रम कार्ड या और भी सुविधा इनको मिलनी चाहिए। एक दूसरा जो हमारा आप देख रहे हो यहाँ पे जो कश्मीर की, मैं इसके लिए बात करूँगा, जो यहाँ पे हम पर जो जुल्म डाया जाता है SRTC, हाईकोर्ट ने डायरेक्शन की है कि कोई भी पैसेंजर व्हीकल नॉर्थ बाउंड साउथ बाउंड कहीं से अंदर नहीं आएगा सिटी में। लेकिन उसने एक बात उसने एक और लिखी, आप रोकिए SSP को इजाज़ दे आप रोकिए लेकिन कमिटर्स हिट ना हो। लेकिन यहाँ तो कमिटर्स से तकलीफ है, उनको फिर पारमपुरा से उतर के फिर दूसरी गाड़ी लेनी चाहती है, पांता चौक में उधर तीसरी गाड़ी लेनी चाहती है, उनका टाइम भी उनका सब कुछ जाया हो जाता है। और साथ साथ जो SRTC लाल चौक पहुँचती है उस वो भी तो बंद, वो भी पैसेंजर है, उसको क्यों नहीं रोका जाता है। हम UT गवर्नमेंट से यही पूछते हैं कि आप हमें तो ठीक है हाईकोर्ट का ऑर्डर हम पालन करते हैं, लेकिन वो कहाँ हाईकोर्ट का ऑर्डर उनके लिए क्यों नहीं होता है जो आप हम पर तलवार इस पर चला रहे, जो बड़गाम से निकलेगा सीधा लाल चौक, लेकिन बड़गाम वाले को लाल चौक की इजाज़त नहीं है, उनको सड़कों पर दौड़ाया जाता है, उनको पार्किंग में से गाड़ियाँ घसीट के लेकर, जो आपने परसों विजुअल देखी कि पार्किंग स्लॉट में किसी ड्राइवर ने गाड़ी रखी थी, SSP सिटी ट्रैफिक घसीट के लिए आए गाड़ी, कौन सा इंसाफ है। वो वही जज्बा वो अगर SRTC के खिलाफ, क्योंकि हाईकोर्ट की डायरेक्शन उसको रोक ले पारंपरा हम ठीक है, अब अगर उसको नहीं रोक रहे जितनी गाड़ियाँ उनको दे रहे 80 या 100 गाड़ियाँ हमें भी दिया जाए, हर डिस्ट्रिक्ट से 20-20 गाड़ियाँ हमें भी इजाज़त दी जाए। या बटमालू में इतना अच्छा बस स्टैंड बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है, और अगर जम्मू में बन सकता है यहाँ क्यों नहीं, यहाँ भी तो वहाँ भी स्मार्ट सिटी बन रही है, यहाँ क्यों नहीं स्मार्ट सिटी में बस स्टैंड बनेगा। ठीक है अब वो, लेकिन SRTC को तो रोके कुछ तो कीजिए बिना टाइम टेबल। अगर यहाँ से कोई गाड़ी किसी टाइम टेबल निकलता ही नहीं, कल यहाँ कोई एक्सीडेंट हादसा होगा, इसके पीछे इनके इसका जिम्मेदार कौन होगा। हो गए अब थोड़ी सी जान बची है तो अभी उससे आ रहे हम लड़ रहे हैं, इसीलिए तो हमने इतनी टीमें बाहर से लाई कि भी हमारी तकलीफ इसमें। हम प्रधानमंत्री के ऑफिस तक पहुँचे, हम नितिन गडकरी जी से मिले इन्हीं की वसादत से, जो हमारे राजेंद्र सोनी साहब है इन्हीं की वसादत से हम एक बार फिर इकट्ठे होकर यही मजे हम भी बाहर। आप देखिए गाड़ियाँ बाहर से लाइए, हिंदुस्तान एक है ना, ये तो अटूट अंग है, तो यहाँ उसको रजिस्ट्रेशन क्यों रोकी गई है, क्यों उनको 20-20 हज़ार, क्या वो हिंदुस्तान से नहीं है कहीं और से रजिस्ट्रेशन, क्या वो कहीं और से है?